आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जिस भी ट्रेन में सफ़र करेंगे उस ट्रेन का स्टेटस क्या है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम ये सोचते रहते हैं कि मैं कहीं ट्रेन तो कैंसिल तो नहीं है, या ट्रेन लेट तो नहीं है, या रूट तो नहीं चेंज कर दिया गया है। तो ये सब जानने के लिए मैं आपको ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो है ट्रेन कहाँ है। और आप बिना इंटरनेट के ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपका ट्रेन कहाँ है, और आप ट्रेन में हैं तो वो बहुत ही आसानी से ये सब कर सकते हैं। और आप ये भी सर्च करेंगे कि आप कौन सा स्टेशन पे है, और जैसे ही कोई स्टेशन आएगा, अगला स्टेशन अगर ट्रेन में है और आएगा, तो वो आपके जो है मोबाइल पे वो जो है अलार्म बजेगा कि ये अगला स्टेशन आ गया है, और आपका ये सब शो करेगा। तो मैं आपको बहुत ही ऐसे ही सिंपल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे ये सब बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन आने वाला है, वही बिना इंटरनेट के। आप अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ये सब बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा, और मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ किस तरीके से छोटी सी एप्लीकेशन की हेल्प से आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. जब भी हम ट्रेन से सफ़र करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो ये टेंशन रहता है कि ट्रेन लेट तो नहीं है, या ट्रेन कैंसिल तो नहीं है, या ट्रेन अभी आई होगी कि नहीं। तो उस सब को चेक करने के लिए मैं NTES पे मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया है क्या, या आपका ट्रेन का स्टेटस क्या है, लेट है या नहीं है, कैंसिल है क्या है। तो वो आप वहाँ से भी बहुत ही आसानी से NTES से आप देख सकते हैं, जिस पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेयर इज माई ट्रेन से, कि आप किस तरीके से अपने ट्रेन का स्टेटस चेक करेंगे कि आपका ट्रेन का क्या स्टेटस है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ये इंस्टॉल है तो इसको ओपन कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोरी में डालेंगे वेयर इज माई ट्रेन और इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बहुत सारा लैंग्वेज है। जैसे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ सबमिट पर ओके करूँगा। ओके करते यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, एसपोर्ट, PNR और ईस्ट का। तो पहले मैं एसपोर्ट पर क्लिक करके मैं बताता हूँ, नहीं जाना है तो यहाँ पर आप डालेंगे फॉर्म में होम स्टेशन, और दूसरा में डालेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं जयनगर, या मैं यहां पटना डाल देता हूं। जैसे मैं यहां पे पटना जंक्शन डाल देता हूं, और मैं यहां पे दिल्ली, न्यू दिल्ली चूज कर लेता हूं। यहां फाइंड ट्रेन पे ओके करेंगे। यहां पे देखिए कि ये ट्रेन जो है यहाँ पर जा रही है, और इस डेट में यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे आप ऑल डेट यहाँ है, और यहाँ से अपना कोई भी डेट चूज कर सकते हैं, यहाँ टू डे, टुमोरो, या चूज फ्रॉम कैलेंडर में से जाके, यहाँ जो भी कैलेंडर है इसमें से आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे है जनरल में क्लिक करके यहाँ पे आप स्लीपर, AC 3, AC 2, AC जो भी आप चेक करना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सारे के सारे इस तरीके से आपका शो होकर बताएगा कि आपका ट्रेन का स्टेटस क्या है। जिस भी ट्रेन का देखना चाहते हैं उस ट्रेन पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देंगे परमिशन, और इस तरीके से आप यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो है स्टेशन से गाड़ी यहाँ पर जा चुकी है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि पटना जंक्शन से यहाँ न्यू दिल्ली के लिए गाड़ी जा चुकी है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टेशन पे यहाँ पहुँचा हुआ है, और नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ पे लखनऊ, और यहाँ पे टू रीच यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए जाएगी। तो इस तरीके से अपना स्टेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पटना जंक्शन से ये ट्रेन जो है जा रही है, और यहाँ पर आपका ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए नीचे इस तरीके से आप बढ़ते जाइएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लखनऊ, तो इस तरीके से यहाँ पर लखनऊ ये ट्रेन आ जाती है। और ये इस तरीके से आप अपना जो है जो भी गाड़ी का स्टेटस है वो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप ट्रेन में यूज़ कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ इंटरनेट वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेल टावर या GPS पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और आपके मोबाइल में ये बिना नेट के भी चलेगा, और बिना नेट का भी ये यूज होगा। तो आप अपने मोबाइल का जो है इंटरनेट आप ट्रेन में है तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, पहले वाले ऑप्शन, और इस पर क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चलाएँगे।
तो ये आपको ट्रेन में अगर होंगे आप तो इस तरीके से आपका बिना नेट का भी चलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है स्टेटस है जिससे आप अपने ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा ट्रेन का देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस ट्रेन का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए कि ये ट्रेन जो है यहाँ पटना जंक्शन से और यहाँ पे PTDD उपाध्याय जंक्शन पर यह ट्रेन जो है पहुँच चुकी है। और इस तरीके से ये ट्रेन जो है बढ़ती हुई देखिए कहाँ जा रही है, यहाँ ओल्ड दिल्ली जंक्शन ये जाएगी और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4:15 पर यह पहुँचाएगी। अभी जो ट्रेन है यहाँ पर है, इसके बीच में क्या दूरी है इस पर क्लिक करके इस तरीके से आप देख लेंगे कि इसके यहाँ दिलदार नगर जंक्शन और इसने छोटे छोटे यहाँ पर जंक्शन है और इस यहाँ पर होते हुए ये PTDD उपाध्याय जंक्शन पर पहुँची है। तो इस सब के बीच में स्टेशन कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टेशन रहता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा मोटा स्टेशन इसके बीच में रहता ही है। जिस भी बीच में क्लिक कीजिएगा तो इस सारे के सारे इस तरीके से छोटा मोटा जो स्टेशन रहेगा वो बीच में आपको शो करेगा कि इतने इतने स्टेशन ये आएंगे और इतने इतने किलोमीटर भी आपको यहाँ पर शो कर देता है। जिस भी डेट में देखना चाहते हैं तो डेट आप इसमें से चूज कर लेंगे कौन सा डेट में देखना चाहते हैं इस तरीके से, या फ्रॉम कैलेंडर पर जाके आप जिस भी डेट में देखना चाहते हैं या जिस भी मंथ में देखना चाहते हैं इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने जो ट्रेन है उसका स्टेटस पता कर सकते हैं कि ये ट्रेन अभी कहाँ है, कौन सा स्टेशन पर है और कितने देर में पहुँचाएगी, वो सारे के सारे आपको यहाँ से आपको बता देता है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्पॉट ट्रेन का। स्पॉट ट्रेन पर यहाँ पर ट्रेन नंबर और ट्रेन नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। यहाँ राजगीर न्यू दिल्ली कोरोना वायरस में यह स्पेशल ट्रेन चल रही है, तो यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेन नंबर का डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है और मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से ये आपको सर्च में आ जाएगा। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है ये ट्रेन, अभी यहाँ देख रहे हैं ट्रेन अभी जंक्शन पर ही है। जब ये 5:20 में चालू होगी तो ये ट्रेन जो है इस तरीके से ये बढ़ती हुई है, ये न्यू दिल्ली के लिए ये ट्रेन जाएगी। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली और 3:40 PM ये ट्रेन पहुँचाएगी। तो ये अभी जंक्शन पे है और ये राइट टाइम में यहाँ देख रहे हैं कि 5:20 से 5:20 ये राइट टाइम में है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पॉट ट्रेन पे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव स्टेशन भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाइव स्टेशन देखना चाहता हूँ तो मैं जैसे जयनगर यहाँ चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए कि जयनगर में स्टेशन पर इतने सारे ट्रेन जो है अभी लगी हुई है जो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा सागर है फेस्टिवल जो अभी वहाँ पर जो जयनगर स्टेशन पर है, तो लाइव यहाँ पर देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर अभी है लाइव, तो वहाँ पर रुकी हुई है जो स्पेशल में चल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं शहीद है जनसाधारण और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी कोविड में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रेन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 ट्रेन जयनगर जंक्शन पे अभी लगी हुई है जो यहाँ पे आप लाइव स्टेशन में यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। PNR नंबर से अपने ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए PNR पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी टिकट पे PNR नंबर होगा वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ तो आपको भी इस तरीके से टाइपिंग कर देना है जो भी आपका नंबर होगा गाड़ी का। मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं फाइंड PNR इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके ट्रेन के जो भी लिस्ट है यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है और इस तरीके से आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेन है तो वो आपके ट्रेन कन्फर्म है टिकट या नहीं है। तो यहाँ पे अपना ये PNR नंबर डाल दीजिए। चलिए मैं फिर से यहाँ पे अपना PNR नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे मैं अपना PNR नंबर डाल देता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से PNR नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दिया, यहाँ पे देखेंगे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाता है तो मैं 496 ही डाल देता हूँ, यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे घटाने वाला ऑप्शन रहता है तो इस तरीके से आपको घटा के ही डाल देना है। सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका यहाँ देखिए कि पूरा जो है आपका टिकट यहाँ पे कन्फर्म है और इस तरीके से आपका टिकट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टिकट कन्फर्म है। अभी चार्ट नोट प्रीपेड है, अभी चार्ट नहीं लगा हुआ है और यह टिकट 31/1/2021 का है। और यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन नेम, यहाँ पे JYG NDL स्पेशल है और यहाँ पर ट्रेन नंबर भी आ जाता है, यहाँ पैसेंजर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बुकिंग स्टेटस जो आपका है यहाँ कन्फर्म है। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने ट्रेन का स्टेटस पता कर सकते हैं, लाइव स्टेशन देख सकते हैं, स्पॉट ट्रेन पर क्लिक करके देख सकते हैं, PNR नंबर डाल के देख सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी स्टेशन है और जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हैं वो डाल के देख सकते हैं कि इस बीच में उस डेट में ट्रेन है या नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने ट्रेन का स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।